रिजॉल्व्स एब्सेस। पहले कान का स्ट्रक्चर देखेंगे। कान का पार्ट तीन करके डिवाइड कर सकते हैं, बाहर का पार्ट और मिडिल पार्ट और अंदर का पार्ट। जब ये बीच का पार्ट का इन्फेक्शन है वो है ओटिटिस मीडिया। अगर चाहे ड्यूरेशन बहुत कम है तो वो एक्यूट ओटिटिस मीडिया, और 3 महीने से ज़्यादा ड्यूरेशन है इन्फेक्शन है तो वो हुआ क्रॉनिक ओटिटिस मीडिया। ज़्यादा देर कॉम्प्लिकेशंस जो है एक्यूट ओटिटिस मीडिया में होता है। क्या होता है कि बीच का पार्ट से इन्फेक्शन स्प्रेड होके पीछे एक मैस्टॉइड एयर सेल सिस्टम है उसमें स्प्रेड हो जाता है। अब ये मॉडल में हम देखेंगे, ये है कान, इधर से सीधा अंदर जाएंगे तो कान का पर्दा मिलेगा। ये है मैस्टॉइड, ये तो यही है मैस्टॉइड एयर सेल सिस्टम, जैसे मैंने अभी ये बताया था, ये है मैस्टॉइड एयर सेल सिस्टम, वो यही। तो बीच का कान से उधर टिम्पैनम से कान का पर्दा के पीछे से इन्फेक्शन मैस्टॉइड में स्प्रेड हो जाएगा। इधर से इन्फेक्शन अंदर ब्रेन की तरफ भी जा सकता है और बाहर गले की तरफ भी आ सकता है। ये जो टॉपिक है बिजोल्स एब्सेस जो है, क्या होता है कि ये मैस्टॉइड के उधर एक छेद बन जाता है बोन खराब होने की वजह से, और गले में मसल के अंदर से फेशे के अंदर से गले में स्वेलिंग बना देता है। ये हुआ बिजोल्स एब्सेस। अभी पेशेंट का कंप्लेन ये रहेगा कि थोड़ा दिन से कान से पीप आ रहा है, और अभी एक दो दिन में इधर कान के नीचे और थोड़ा सा पीछे इधर थोड़ा सूजन है, ये रहेगा उनका कंप्लेन, और साथ में बुखार भी हो सकता है। एग्जामिन करेंगे तो कान सब क्लीन करके अंदर कैमरा डाल के देखेंगे तो कान के पर्दे में छेद होगा और उधर से पीप निकलता रहेगा, और गले में जो है ऐसा जैसा मैंने इधर बताया था इधर एक सूजन रहेगा। ठीक है, उधर छुएंगे तो थोड़ा गर्म भी रहेगा क्योंकि उधर पस जमा हुआ है, एब्सेस जमा हुआ है। वो इधर मैस्टॉइड, ये मैस्टॉइड है, मैस्टॉइड इरोड करके ये मसल के अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड होकर आ जाता है। ये येल्लो जो डिपिक्शन दिया है वो है एब्सेस। अभी ऐसा कंडीशन पेशेंट को हम एडमिट करते हैं, एडमिट करके इन्वेस्टिगेशन चालू करेंगे। ब्लड रूटीन एग्जामिनेशन और यूरिन टेस्ट सब करने के बाद एक सीटी स्कैन विथ कॉन्ट्रास्ट लेना है। सीटी स्कैन जो है सर का और साथ साथ में गले का भी, वो कॉन्ट्रास्ट लेना पड़ेगा, और कान का टेस्ट ले लेंगे, साथ साथ में कान का पीप जो आ रहा है उसको निकाल के पस कल्चर के लिए भेजेंगे, कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए। उसमें से पता चलता है कि बैक्टीरिया कौन सा है, उसके अगेंस्ट कौन सा स्पेसिफिक एंटीबायोटिक दे सकते हैं। अभी डायग्नोसिस कंफर्म हो गया तो उसी टाइम में आईवी एंटीबायोटिक शुरू कर देंगे। अगर जो एक दो दिन में मरीज में अच्छा डिफरेंस है, फ़र्क है, इम्प्रूव हो गया, फीवर कम हो गया, सूजन कम हो गया, कान से पीप कम हो गया, तो सिर्फ आईवी एंटीबायोटिक दे के हम उसको ठीक कर सकते हैं। आईवी एंटीबायोटिक के साथ साथ में डेली कान साफ करना है, सक्शन करके क्लीन करना है, और ईयर ड्रॉप्स डालना है, सुबह में 3 ड्रॉप, दोपहर में 3 ड्रॉप, रात में 3 ड्रॉप, और साथ साथ में नाक का ड्रॉप्स और दर्द के इलाज भी, पेन किलर्स भी देंगे। अगर जो 3 दिन में ठीक नहीं हुआ तो और भी कंप्लेन बढ़ गया, सूजन बढ़ गया, पीप रुक नहीं रहा है, पेशेंट को बुखार भी बढ़ गया, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। प्रॉब्लम है कि मैस्टॉइड के अंदर पीप जमा हुआ है, तो मैस्टॉइड के अंदर और पर्दे के पीछे, तो इधर पीछे खोल के ओपन करके जैसा ये पिक्चर में दिया है, मैस्टॉइड ड्रिल करके इसके अंदर जो भी जितना भी पस जमा हुआ है उसको फुल क्लीन करके निकालना पड़ेगा। साथ साथ में पर्दे के पीछे जो भी पीप है वो उसको भी पस करके सब क्लीन करके निकालना पड़ेगा, और गले के ऊपर इधर जो एब्सेस जमा हुआ है, पीप जमा हुआ है, सेपरेट सा इंसिशन एक डाल के उधर से पीप निकाल के एक ड्रेन भी रख देंगे। ऑपरेशन होने के बाद शायद 2-3 दिन रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में, और डिस्चार्ज करने के टाइम में आपको एंटीबायोटिक 10 दिन से 2 हफ्ते तक लेना पड़ेगा। ये हुआ बिजोल्स एब्सेस। नमस्ते।